खबरों में सबसे पहले नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आयुक्त से सफाई निरीक्षक की गुहार, कहा हम पर नकेल कसो साहब। धान की खरीद में मनमानी, कलेक्टर से मिले किसान, कहा बंद हो व्यापारियों की मनोबली। मोदी सरकार की आंखें खोलने की तैयारी, बीएमएस ने कसा शिकंजा। 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति पर चाइनीज स्पिनिंग मिल के मजदूर, वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ नगर परिषद के कामकाज को लेकर भले तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हूं, लेकिन सच तो यह है कि लाल फीताशाही के बाद खुद अधिकारी ही स्वीकार कर रहे हैं और वो भी खोले आम। सफाई निरीक्षक विनोद कुमार ने तो आयुक्त राकेश मेहंदीरता से साफ कहा कि सफाई कर्मियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए आप हम पर नकेल तो कसो। यह सुनकर न सिर्फ बाकी अधिकारी और पार्षद बल्कि खुद आयुक्त भी स्तब्ध रह गए। कर्मचारी डर को अधिकारी पर रखो, पहले करता बतरा जी आया करता, डॉक्टर साहब आया करता, अब 3-4 महीना में कोई ना तो मैं रजिस्टर में साइन कर दो, रजिस्टर में साइन कर दो, कोई कोने रजिस्टर चेक करो, आदमी चेक करो, कचरा चेक करो, फिर माने मारी कमी को पता चल रही, तो मैं तो साइन से हो रहा हूँ, अगर तो खुद ही पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ भी कौन तुम्हारे भरोसे चल रही गाड़ी, तो मार पर थोड़ी नफेल कसो, मैं आज हाँ अपने आप खुद रहा मार पर नफेल कसो थोड़ी। शायद ही कोई ऑफिस हो जहां पर अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए ललकार रहा हो, लेकिन हनुमानगढ़ की नगर परिषद में यह भी मुमकिन है। आपने खुद सुना कि एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों को किस तरह कार्यवाही करने के लिए उकसा रहे हैं। दरअसल यह सफाई निरीक्षक विनोद कुमार कंडा बेबाक बोल रहे हैं, सफाई व्यवस्था की बदहाली की कहानी सुना रहे हैं और आयुक्त चुपचाप उन्हें सुन रहे हैं। प्रत्युत्तर में उन्होंने संसाधनों की कमी को लेकर पूछा तो कंडा ने कहा कि कोई कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है जो सख्ती से ही दूर हो सकती है। इतना सुनने के बाद आयुक्त राकेश मेहंदीरता में भी जोश भर गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सफाई व्यवस्था की बदहाली पर सुना चुके हैं, कलेक्टर भी नाराजगी जता चुके हैं, इसलिए व्यवस्था में सुधार जरूरी है। जनवरी में सर्वे दल आएगा जो शहर की स्वच्छता को जांचेगा, इसलिए हमें सुधारने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय एवं जिला कलेक्टर महोदय ने गत दिवस एक बैठक बुलाई थी, उसमें निर्देश दिए गए थे कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखना है, और जैसा कि जनवरी में सर्वेक्षण दल भी हनुमानगढ़ आ रहा है, उस सर्वेक्षण दल के आधार पर रैंकिंग के आधार पर करोड़ों रुपए का जो अनुदान मिलने वाला है उसके अंतर्गत हमने ये प्रयास आरंभ किया है। उसके लिए आज हमने सफाई कर जमादारों की और इंस्पेक्टरों की और मान्य पार्षदगणों की एक बैठक आयोजित की है, इसके अंदर हमने इनके सुझाव प्राप्त किए हैं, उन सुझावों के अंतर्गत हमने इन पूर्व में एक पार्षदों को फॉर्मेट दिया है और आज हमने अपने जमादारों को भी फॉर्मेट दिया है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करते हुए जैसा भी सफाई के अंदर हमारे को सहयोग मिलेगा और जो सुझाव मिलेंगे उसके अनुरूप हम पूरे शहर को स्वच्छ एवं साफ सुंदर रखने के लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपके आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और सफाई कर्मी आपकी सुन नहीं रहे तो आप आयुक्त राकेश मेहंदीरता को मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं। आयुक्त का नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 94143-32-695। कि हमारा अगर घर घर से कचरा संग्रहण का वाहन आपके यहाँ नहीं आता है तो हमारे जो घर घर से कचरा संग्रहण का वाहन है उस पर मोबाइल नंबर अंकित होगा, तो आप उस नंबर पर फोन कीजिए। अगर उसके बावजूद भी कोई अगर मैसेज हमारा जो कर्मचारी इंस्पेक्टर नहीं सुनता है तो मेरा नंबर है 94143-32-695, आप मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, तो मैं उस इंस्पेक्टर से उसकी रिपोर्ट लूँगा और बाकायदा उसको जो भी मैं कर सकूँगा मैं उसमें पूरा प्रयास करूँगा। कहने को तो राइस बेल्ट है लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही। आलम यह है कि धान बेचने पहुंचे किसानों को अब मंडियों में 5 दिन बिताने पड़ रहे हैं क्योंकि नई समस्या है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पर धान तोलने को लेकर। लिहाजा पूर्व एडीजे महावीर स्वामी के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। चालू करो धान की खरीद,
कलेक्टर कार्यालय के नीचे नारे लगा रहे ये लोग धान की बोली लगाने, खरीफ फसलों को समर्थन मूल्य में खरीदने, व्यापारियों द्वारा तोल में कथित गड़बड़ी को रोकने और कपास की तुलाई भी अन्य फसलों के अनुरूप करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। इनका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व एडीजे महावीर स्वामी, बारसंघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, पूर्व सरपंच करणी सिंह राठौड़ और बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी। किसानों ने कलेक्टर को हर एक समस्याओं के बारे में बताया। उनका कहना था कि व्यापारियों की मनमानी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, जिसे रोकने की जरूरत है। एक राइस बेल्ट एरिया है, इसमें राइस का उत्पादन खूब ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छी गुणवत्ता का भी होता है, अच्छी क्वांटिटी का भी होता है। समस्या किसान के सामने ये आ रही है कि साहब इसका जो माल मंडी में लाने के बावजूद मंडी में बिक नहीं रहा है, पिछले 5 दिन से इसकी बोली नहीं लगाई जा रही थी, तो पता लगा भी क्यों नहीं बोली लगाई जा रही है। तो ये पता लगा कि जो खरीदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो उचंती माल ले रहे हैं और किसान से जो है मंडी में माल गिरा रहे हैं, तो मंडी में उसका माल सूख भी रहा है, उसको क्षिजत भी हो रही है, वो परेशान भी हो रहा है। उस परेशानी को मतलब सुनने वाला कोई नहीं था। तो पहले हमने एसडीएम साहब से इस बारे में कहा कि साहब आप इसमें दखल दें बीच में, फिर मंडी समिति सेक्रेटरी से इस बारे में बात की कि भाई आप दखल दें इसमें, लेकिन ऐसा लगा कि भी शायद मंडी समिति सेक्रेटरी भी जो है व्यापारियों के साथ जो भी उसकी सेटिंग रही होगी। तो आखिर हमने हार के आज कलेक्टर साहब को इस बारे में ज्ञापन दिया है। पूर्व सरपंच करणी सिंह राठौड़ ने बताया कि धान की खरीद के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार की किसान नीति के कारण हाल बेहाल हो रहा है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे। किसानों की एक गंभीर समस्या है। तो यहाँ पे धान की जो खरीद हो रही है, एक तो वो सही जो गीला माल है का, उसके लिए जो मना करें आते ही है, उसको 5-5 दिन वहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद में तुलने के बाद में जो कटौती आती है वो काश्तकार से ली जाती है। अगर वो काश्तकार अगर माल उसने तुला दिया 3 दिन के बाद में अगर व्यापारी उठा रहा है तो उसमें कुछ कटौती आएगी, तो वो काश्तकार से वसूली जाए। जब उसने मार्केट हिसाब से उसका दाम लगा दिया, भाव लगा दिया, उसके बाद में कटौती लेने का तो मतलब ही नहीं। ऐसा ही नरमे में हो रहा है। नरमे में ये क्या कर रहे हैं, एक क्विंटल के पीछे 1 किलो काट ले रहे हैं। तो काट देने जब उन्होंने मार्केट के साथ उसी हिसाब से भाव लगा दिया और कांटे का तोल हो गया, तो फिर किस चीज़ की कटौती ले रहे हैं। व्यापारी अपना मनमर्जी कर रहे हैं और नए ही समर्थन मूल्य पर वो माल खरीदा जा रहा है। मूंगफली की आज 4450 रुपये समर्थन मूल्य है, जो 3100-3200 रुपये के रेट से लिया जा रहा है। मूंग की भी है इसी पोजिशन है, मूंग है 4500 रुपये, आज मार्केट में 3500 रुपये से ऊपर नहीं है। सरसों की खरीद है जो 3750 रुपये गवर्नमेंट रेट है और आज उसको 3100-3200 रुपये में लिया जा रहा है। किसानों के साथ में अनदेखी हो रही है, अन्याय हो रहा है। ये सरकार बिल्कुल सुती हो रही है और इसको जगाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं सरकार को। किसानों के मुताबिक व्यापारियों और अधिकारियों की अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें 5-5 दिन मंडियों में व्यतीत करने पड़ रहे हैं, से उनकी परेशानी हो रही है। ये जो धान का जो समर्थन मूल्य है उस पर ये खरीद नहीं कर रहे हैं और 5-5 दिन तक ये धान मंडी से अपने धान का उठाव नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से आज किसान की एक बहुत ही बेकार हालत हो रखी है। और देश में आरएसएस विचारधारा की सरकार है, क्योंकि भाजपा संघ की राजनीति इकाई है और मजदूर इकाई है, बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ। लेकिन मोदी सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने के लिए बीएमएस ही सामने है। बीएमएस ने नीति आयोग को मजदूर विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने रवैये में बदलाव नहीं किया तो फिर 17 नवंबर को देश भर के 10 लाख मजदूर संसद का घेराव करेंगे और मोदी सरकार की आंखें खोल देंगे। बीएमएस जिंदाबाद, 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 बीएमएस जिंदाबाद, 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 देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दम, काम करेंगे पूरा दम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दम, देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, एक हो, देशभक्त मजदूरों एक हो। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नारे लगा रहे ये कर्मचारी हैं जोधपुर डिस्कॉम के।
ऐसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार के प्रति विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण अतायल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर जिस नीति आयोग का गठन किया वह मजदूरों के खिलाफ नीति बनाने में जुटा है, जिसे बर्दाश्त करना कठिन है। कई बार सरकार से कहा लेकिन मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए विरोध करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जो मोदी सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है और उस नीति आयोग के द्वारा जो मजदूरों के विरोध में निर्णय किए जा रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए पूरे राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टरों पे जितनी भी इकाइयां हैं वो आज सब विरोध प्रकट करके ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि मोदी जी को भिजवाया जाएगा। हालांकि मोदी जी की सरकार हमारे ही विचारों की सरकार है, लेकिन मोदी जी के द्वारा जो आयोग का गठन किया गया है उसकी जो राय है वो श्रमिकों के विरोध में है। इसलिए मोदी सरकार को बचाने के लिए भी इस आंदोलन की बड़ी आवश्यकता महसूस की भारतीय मजदूर संघ के लोगों द्वारा, और मोदी जी की आंखें खोलने के लिए कि भी उनके नीचे निर्णय गलत हो रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण अतायल ने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम में तकनीकी सहायकों के साथ निरंतर भेदभाव हो रहा है, राज्य सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में प्रदर्शन के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तकनीकी सहायक नाम से राज्य सरकार ने भर्ती की, भर्ती के टाइम से उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है कि उनको 3 नंबर स्केल में भर्ती देनी चाहिए थी जिसको 2 नंबर में दिया, तो ये बड़े लंबे समय से ये मांग चल रही है। राजस्थान की सरकार इसको नहीं मान रही है, जब राजस्थान की सरकार नहीं मान रही है तो इसको अखिल भारतीय स्तर के एजेंडे में भारतीय मजदूर संघ ने पहली बार शामिल किया और मोदी जी के सामने ये डिमांड जाने वाली है। भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अल्टीमेटम दे रखा है। जिलाध्यक्ष कृष्ण अतायल ने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो फिर 17 नवंबर को संसद का घेराव करने देश भर से 10 लाख मजदूर दिल्ली कूच करेंगे और मोदी सरकार की आंखें खोलकर ही दम लेंगे। इन प्रदर्शनों से सरकार दबाव में आकर के कोई मजदूरों के हित में निर्णय नहीं करती है तो आगामी 17 नवंबर को 10 लाख लोग संसद का घेराव करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के झंडे के नीचे वहां पे एकत्रित होंगे रामलीला मैदान में और वहां से संसद की ओर कूच करेंगे और मोदी सरकार की आंखें खोल के ही भारतीय मजदूर संघ दम लेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाला समय मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है। 3 साल बीतने के बाद अब लोग सरकार की कार्यशैली को परखने लगे हैं। निराशा हाथ लगने पर अब विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। मोदी सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि विरोध करने की शुरुआत उसके ही विचारधारा वाले संगठन कर रहे हैं, जिससे आमजन में भी मोदी सरकार के प्रति गलत मैसेज जाना तय है। देखना यह है कि सरकार इस संभावित आंदोलन को टालने के लिए किस तरह के प्रयास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। स्पिनिंग मिल के मजदूर 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ जाएंगे। शिक्षा विभाग में उन्हें लगाया जा रहा है, इसके तहत विभिन्न स्कूलों में उन्हें लगाया जा रहा है। इसके लिए बुधवार को मजदूरों की काउंसलिंग हुई। स्पिनिंग मिल के मजदूरों को एक बार विभिन्न स्कूलों में सेवाएं देने के लिए कहा गया है। इसके लिए उन्हें स्कूल अलॉट किए गए हैं जहाँ पर वे 6 महीने तक अपनी सेवाएं देंगे। बदले में उनका वेतन स्पिन फेड देगा। 6 महीने बाद फिर से निर्णय लिए जाएंगे। मजदूरों ने सरकार के फैसले पर नाखुशी नहीं जताई बल्कि उम्मीद जताई कि कुछ समय बाद सरकार उन्हें समायोजित कर लेगी। और हमारे को राम सरा नारायण लगा दिया है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगाया है और विपरीत प्रतिनिधित्व लगाया है, और हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन का और यहाँ के DA साहब का। मेरा हुआ है लखू अली हेड, जो कि यहाँ से 35-40 किलोमीटर पड़ता है। आने जाने की परेशानी तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी विपरीत प्रतिनियुक्ति पे भेजे हैं, इसका भी धन्यवाद देते हैं कि जो मान लो कि हमें एक बार रोजगार दिया है। और हम आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में कुछ दिनों में संयोजन कर देंगे ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण बढ़िया हो सके। बिन फेड मिल के कर्मचारी थे और जो हमें इसलिए दे रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह इनको लगाया जाए, इसके बाद में इनकी हमने वरीयता सूची बनाई है और उसके बाद में जो काउंसलिंग के निर्देश थे, जैसे 40% से अधिक दिव्यांग, ऐसा दे रोग से पीड़ित कार्मिक, फिर 2 नंबर पर भी दो आया प्रतियोगिता महिला अभ्यर्थी थी,
और फिर 3 नंबर पर महिला अभ्यर्थी और फिर से इस बचे हुए अभ्यर्थी, उस हिसाब से उन्होंने एक कमेटी बना के उनके काउंसलिंग का काम कर रही है पारदर्शी तरीके से। प्रधानमंत्री आवास योजना में हनुमानगढ़ ओलंपिक 2017 के लिए रामा मैरिज पैलेस नोहर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरपंच, ग्राम सेवक, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने की। प्रधानमंत्री आवास योजना व हनुमानगढ़ ओलंपिक 2017 को लेकर आयोजित कार्यशाला में राजस्थान मदरसा बोर्ड चेयरमैन मेहरू निशा टाक, नोहर विधायक अभिषेक मटूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक कच्चे आवासों में निवास कर रहे परिवारों को पक्का आवास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में कच्चे मकानों का अनुमोदन करवाकर सरकारी सहायता से पक्के मकानों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सबके लिए आवास हो, इस उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत तय सीमा में लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समय पर अनुदान व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया है। इस मौके पर एडीएम हरतिमा, डीवाईएसपी भूपेंद्र जाखड़, एसडीएम रमेश देव, विकास अधिकारी गोपीराम महला, सरपंच यूनियन जिलाध्यक्ष धर्मपाल ढील, उप प्रधान धर्मवीर, जिला परिषद सदस्य कृष्ण गोदारा, बीईओ दिलीप कुमार, एबीओ शौकत अली, नगर पालिका ईओ बसंत सैनी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर योजना अंतर्गत अच्छे व मजबूत आवास बनाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। क्या इसमें प्रक्रिया है, किस किस तरह से लाभ देना होता है, ये सब की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई और साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले, चाहे वो लाभार्थी हो जिन्होंने उत्कृष्ट आवास बनाया हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, सरपंच साहब हो जिन्होंने 100% अपने टारगेट पूरे किए, उनको सम्मानित भी किया गया ताकि सभी को मोटिवेशन मिले कि इस योजना में जल्द से जल्द हम लाभ पूरा लें और अपने आवास कंप्लीट करें। कि बहुत अच्छी पहल भी है और बहुत शुरुआत हनुमानगढ़ में बहुत जज्बे से और पंचायत समिति के सभी प्रधान और प्रशासन मिलकर इस योजना को सफल बनाने में, संपूर्ण बनाने में लगा हुआ है और बहुत हद तक इन लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। इस बात की हम लोग कल्पना करते हैं, कामना भी करते हैं कि इस योजना की जिस तरह से हनुमानगढ़ में इतना अच्छी पहल, इतना अच्छा रूप मिला है, हमें भविष्य में कामना है कि इसी तरह से प्रशासन अगर लगा रहा तो ये योजना बहुत कारगर साबित होगी और हर कच्चा मकान पक्के मकान में तब्दील होकर हर गरीब को सहायता मिलेगी। भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस वाल्मीकि समाज द्वारा श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाएगा। प्रकट दिवस की पूर्व संध्या पर भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रार्थना भी हुई। भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस वाल्मीकि समाज की ओर से श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। प्रकट दिवस की पूर्व संध्या पर भगवान वाल्मीकि का दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पार्षद राजेश पवार ने वाल्मीकि समाज को शिक्षा की ओर बढ़ने व समाज में कुरीतियों को दूर करने की बात कही। प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भजन संध्या का भी आयोजन होगा। हमारा आज मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया और वाल्मीकि समाज के सभी व्यक्तियों से, नौजवान साथियों से हमने यही अपील की है कि जितना हो सके नशा कुरीतियां जैसी व्यवस्थाओं को छोड़े और समाज के लिए शिक्षित होकर आगे बढ़े और कार्य करें। और 5 तारीख को वाल्मीकि जी की प्रकट दिवस की यात्रा भी, शोभा यात्रा भी निकालेंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। 5 तारीख को सुबह लंगर होगा वाल्मीकि जी का और 5 तारीख को किले के पास में जागरण है भगवान वाल्मीकि जी का। भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप शोभा यात्रा को झंडे दिखाएंगे। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। इन त्योहारों के अवसर पर एसडीबी ग्रुप करेगा आपके अपने घर का सपना साकार। आज ही बुक करें अपना घर मात्र 30,000 रूपए की पंजीकरण की राशि में। शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर एसडीबी ग्रुप लेकर आए हैं हनुमानगढ़ में शहर की पॉश कॉलोनी दल सिंह नगर के पास सांगरिया रोड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार और बस स्टैंड से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत सबसे कम कीमत पर सिंह प्रोजेक्ट, वाजिब दाम 2BHK मात्र 9,91,000 में और 1BHK 6,91,000 में।
और केंद्र सरकार द्वारा आवासीय ऋण पर एवं राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री शुल्क में विशेष छूट, आपके परिवार के लिए सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, वो भी 90% तक बैंक लोन की सुविधा के साथ, यानी आप किराए के मकान से आजादी। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के career को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के courses करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi. महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। किराए का नहीं, अब घर होगा अपना। मुख्यमंत्री जनवास योजना 2015 शुभ लक्ष्मी, वाजिब कीमत के G+2, EWS और LIG अफोर्डेबल फ्लैट्स, सरकार द्वारा रजिस्ट्री शुल्क में विशेष छूट एवं केंद्र सरकार द्वारा ब्याज पर 6.5% की विशेष सब्सिडी, हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राइम लोकेशन ड्रीमलैंड कॉलोनी के पास सूरतगढ़ रोड पर 2BHK EWS फ्लैट बुकिंग मात्र 21,000 रूपए में, 2BHK LIG फ्लैट बुकिंग मात्र 31,000 रूपए में। योजना में आपके लिए 90% तक बैंक लोन की सुविधा, सभी आधुनिक व आवश्यक सुविधाओं युक्त योजना शुभ लक्ष्मी, जो रखे आपकी हर जरूरत का ख्याल। तो क्यों करना अब और इंतजार, जब हो सकता है अपने घर का सपना साकार। संपर्क करें 9351000500। शुभ लक्ष्मी। राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है, इसके तहत एथलेटिक में संबंधित प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। खास बात है कि आयोजक है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट यानी टाउन, और आयोजन हो रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम जंक्शन में। इससे अव्यवस्थाओं की स्थिति है, खिलाड़ियों और अभिभावकों ने अव्यवस्थाओं पर रोष जताया। सारी प्रतियोगिताएं राजीव गांधी स्टेडियम में किया जा रही है। आज दिनांक 4 को 3000, 5000, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ये प्रतियोगिताएं हुई, और इनकी जो अभी फाइनल अभी जो रिजल्ट्स नहीं है, इसमें जो दौड़े हैं उसमें हिट्स आदि के ये हुए, तो इनके फाइनल आपको ये सूचना बाद में दे दी जाएगी। क्या कहना? मैं लड़के का दफादर हूँ, मैं 3 तारीख को 3 बजे से पहले आ गया था और शाम को 6 बजे से पहले ये 2 तारीख को एंट्री करानी पड़ती थी, और ये दूसरे दिन 2 बजे तक भी एंट्री करवा रहे थे, और 24 घंटे बाद कल 3 बजे ये मैच शुरू हो सके, जबकि दौड़ का टाइम होता है सुबह 5-5 किलोमीटर की, 3-3 किलोमीटर की दौड़ होती है, वो दोपहर में 11-11, 12-12 बजे करवाई जाती है। 7:30 बजे टाइम देते हैं, खुद 9 बजे आते हैं। अव्यवस्था का आलम है, यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। फोर्ट स्कूल में तो आयोजन स्थल है, आयोजक है, और सपोर्ट्स का स्थल है राजीव गांधी स्टेडियम, तो बच्चे वहाँ अग्रवाल धर्मशाला में किले वाले स्कूलों के पास जो धर्मशाला वहाँ रुकते हैं, कैंपों पर आते जाते हैं। इन स्थानीय प्रशासन की तरफ से, इस स्कूल आयोजक स्कूल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत ही व्यवस्था थी, पहले दिन जे जे स्कूल में भेजा, वहाँ पे 3 ही टीमों को रखा गया और 12 टीमों को बैटरी और 12 टीमों को वापस भेज दिया गया, और वहाँ से हम वापस गए 30-30 रुपये किराया लगा के, लगभग 600-700 रुपये एक्स्ट्रा पड़े, और उसके बाद भी हमने खुद की व्यवस्था की है, सुने की कोई व्यवस्था नहीं थी। टाउन कल शाम 7 बजे को पहुँचे, तब स्कूल में इतनी व्यवस्था था कि पानी के लिए जगह नहीं थी, सब भीड़ लगी हुई थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैच का पता चला तो हनुमानगढ़ जंक्शन में राजीव गांधी स्टेडियम में, और रुकने के लिए डाइट पे गए, डाइट में देखा इतने मच्छरों की तादाद इतनी थी कि अगर रात रात वहाँ पे रुक जाते तो सुबह अस्पताल ढूंढना पड़ता, वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी इतनी, ना लाइट थी, ना पानी था, कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा है वो बिल्डिंग 2 साल से बंद रही हो। ऐसे हालात में हमें यहाँ लाया गया और हम जाट धर्मशाला में रुके, रात को शाम को 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी पानी के लिए, आप बाहर जाके देखोगे इतनी भीड़ लगी है,
किसी को भी पानी पीने के लिए टाइम नहीं है। कोई वाटर ड्रम अभी तक हमें आवास की कोई जगह नहीं मिली। पहले रात को वहाँ रुके, उसके बाद में धर्मशाला में गए, वहाँ जगह नहीं मिली। फिर अग्रवाल धर्मशाला 50 रुपये प्रति स्टूडेंट देख रहे हम रुके थे, और कल सुबह कहा कि हम देंगे, और उसके बाद में रात के समय में हम अग्रसेन धर्मशाला में यहाँ आए थे। कौन सी है? उन्होंने कहा कि 2000 रुपये जमा कराओ तब देंगे। किसी भी विद्यालय में जगह नहीं थी, 4 धर्मशाला में जाकर रुकी थी। उन्होंने हमें व्यवस्था दी थी, तो बच्चे और ये व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वैसे यहाँ आयोजन बिल्कुल सही हो रहा है। ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल में सोलोडांस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी डॉक्टर ज्योति ठेंगड़ा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियों से समापन किया। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के खास अंश। इस कार्यक्रम में हमारे स्कूल के 130 बच्चों ने भाग लिया है, जिनको हमने दो ग्रुप्स में बांटा है, जिसमें कालबेलिया, भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस, पंजाबी और पाश्चात्य संगीत के ऊपर नृत्य प्रस्तुत किए हैं। और एक से बढ़कर कुछ परफॉर्मेंस हमारी थीम को लेकर भी थी, जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, माँ पापा का प्यार, इस प्रकार के अच्छे अच्छे थीम्स लेकर। जंक्शन किराई खुंजा से वार्ती में कारपेट सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। भाजपा नेता अमित शाह व सभापति राजकुमार हिसारिया ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जंक्शन के नायक खुंजा स्थित वार्तीन में कारपेट सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत भाजपा नेता अमित शाह, सभापति राजकुमार हिसारिया, पार्षद पुत्र मनोज बरसीवाल आदि ने संयुक्त रूप से की। इस निर्माण से बाईपास से मेन सड़क को वार्ड 2 से जोड़ा जाएगा और शाकर नगर के वासिंदों को सुविधा मिलेगी। सड़क निर्माण पर करीबन 20 लाख की लागत आएगी। निकटवर्ती गांव मुंडा स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में सालाना उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता अमित शाह व सभापति राजकुमार हिसारिया ने हाथों में ध्वजा लेकर शोभा यात्रा का आगाज किया। आकर्षक झांकियों और 1100 ध्वजा के साथ निकाली जा रही शोभा यात्रा में भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं बैंड वादक भी अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। मुंडा धाम में रात्रि विशाल जागरण का आयोजन होगा। शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ रही। I'm gonna go to the hospital.
उनके फादर ने बनवाया था, जिसके लिए शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं। पूरा मुंडा वाले परिवार हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, कर्णपुर, जहाँ भी है सब आज इकट्ठे हुए हैं और पूरे हनुमानगढ़ के शौक से हम बापा की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो प्रमुख मार्गों से होती है, वापस अग्रवाल धर्मशाला आएगी। इसमें हमने 1100 बाबा की ध्वजा है, एक 5 झांकियाँ हैं और बैंड है, मिलिट्री बैंड है, एक रवि बैंड है, इसलिए बाबा की अच्छी शोभा यात्रा हम तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर वाले हमें पूरा शौक दे रहे हैं, की इच्छा पूरी होती है, सब कुछ होता है हमारे। हमारा मुंडा धाम बड़ा ही चमत्कार बाबा है, दक्षिण घाट का मौका तो बाबा है हमारा, बहुत बड़ा चमत्कार है, जो भी इसके जाए उसकी इच्छा पूरी होती है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन में 55 बालिकाओं को साइकिल दी गई है। सरकार की ओर से 9वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने का प्रावधान है। पार्षद राजेश कड़वासरा ने कहा कि पहले 100 रुपए लेकर साइकिल दी जाती थी, लेकिन पहली बार निःशुल्क साइकिल दी गई है, जो स्वागत योग्य है। जंक्शन में संग्रीय रोड के पास स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। पार्षद राजेश कड़वासरा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सुनील गुप्ता, प्रधानाचार्य सीमा भल्ला आदि ने सरकार की योजना को सराहा और कहा कि इससे साधन के अभाव में छात्राएं पढ़ाई नहीं छोड़ सकेंगी। हर स्कूल में कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास साधन नहीं होते, स्कूल दूर पढ़ते हैं, कहीं जाने आने में पढ़ाई में उनकी बाधाएं आती हैं तो वो स्कूल नहीं आ पाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां स्कूल में आएँ, पढ़ाई करें, उनको मौका मिले, साधन मिले, इसी के तहत राजस्थान सरकार ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 9th क्लास के बच्चियों को साइकिलें वितरित की हैं और हर वर्ष इसी तरह साइकिलें वितरित की जाती हैं। पहले टाउन स्थित महावीर धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। व्यापारियों के सहयोग से भंडारे में सालासर यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, खाने सहित चिकित्सा व्यवस्था की गई। जन सहयोग से लगने वाले भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। देश की शाम को लगाते हैं, जो साला साला भक्त लोग जाते हैं वो बाबे का प्रसाद लेके जाते हैं। तो इस ये निःशुल्क है, कोई इसके से पैसा नहीं देते किसी से, और मंडी में 15 आदमी भाई लोग मिलके ये लगाते हैं। कृपा से साल में 2 बार 30 को जो पंजाब से या दूर दूर से साला सर बाबे के दर्शन करने के जाते हैं, वो यहाँ पर पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर उनके लिए खाने का भंडारे के तौर पर प्रसाद के रूप में बच्चों के लिए एक दूध, चाय, मेडिसन और भी हर जो मुसाफिर को लोड है देते हैं। ये बाबा ही करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, बाबे का देश है, हम कर जाते हैं। यातायात पुलिस ने हेलमेट नहीं लगाने वाले बाइकर्स पर शिकंजा कसते हुए बुधवार को 25 चालान काटे। प्रभारी अनिल जिंदा ने कहा कि हेलमेट लगाने के लिए समझाइश की गई, लेकिन फिर भी कई बाइकर्स इसे गंभीरता नहीं लेते, इसलिए सख्ती करनी पड़ रही है। हेलमेट नहीं लगाने वालों पर जब यातायात पुलिस ने शिकंजा कसा तो फिर कुछ बाइकर्स भागने लगे, कुछ की मोटरसाइकिल जब्त की गई। कुल मिलाकर अफरा तफरी की सी स्थिति बन गई। संगरे रोड पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने कार्रवाई करते हुए 25 बाइकर्स के भी चालान काटे। करीब 20 से 25 के बीच में चालान किए गए हैं और मेरा ये कहना है कि सभी जो हनुमानगढ़ के जो निवासीगण हैं, जो बाहर से आते हैं, वहाँ दुपहिया वाहन लेकर आते हैं, वो हेलमेट का उपयोग करें।
हेलमेट जो है एक आपकी सुरक्षा है, जो एक वजन नहीं है कि आप लोग हेलमेट लगाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और कई बार देखा जाता है कि हेलमेट को पीछे स्कूटर के या मोटरसाइकिल के पीछे टांगा होता है, कई बार जो शीशा है उसके ऊपर लगाया होता है, ऐसा नहीं करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।